हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरते गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा, गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा। चाहती है मेरी आत्मा गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा, गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा। अपना तन मन सारा जीवन कर दिया मैंने तुमको समर्पण, तुम बिन कोई और नहीं है अब तो मेरा सहारा। गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा, गीत गाऊं गुनगुनाऊं। तभी अपनी माँ से कह दो हमें उनका इशारा मिल गया, थोड़ी देर में हमारा रियाज खत्म हो जाएगा। चलो किधर शुरू हो जाओ। बस बस बहुत हो गया रियाज, अब थोड़ी सी भैरवी गालो और उठ जाओ। अभी महफिल में ठीक तरह से रंग भी नहीं जमा और तुम भैरवी की फरमाइश कर रही हो। आपको तो अपने संगीत के अलावा किसी की परवाह नहीं, लेकिन वहाँ केदार की पत्नी तो उसकी राह देखती होगी। जी उसने तो मुझे तबले पर बलि चढ़ा दिया है। बलि तो वो चढ़ गई है तुमसे शादी करके, अच्छी खासी खाते पीते घर की लड़की थी, न जाने क्या मती मारी गई कि एक तबलची के साथ साथ फेरे लगा लिए। अब तो उसकी किस्मत में थपेड़े थपेड़े और थपेड़े ही है। क्या बात है पंडित जी, आज आपके घर में ठेका बड़ी द्रुत गति से चल रहा है। लगता है विलंबित ख्याल की बंदिश खत्म हो गई, इसलिए रियाज यही खत्म करते हैं। कल सुबह कितने बजे मिलना है? वैसे तो क्लास सवेरे 7 बजे है, तुम जरा जल्दी आ जाना, बच्चों के आने से पहले थोड़ा रियाज कर लेंगे। याद है ना परसों के दिन रेडियो पे मेरे गाने की रिकॉर्डिंग है। ठीक है तो कल मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। नमस्ते। अरे अब खाना खाकर ही जाना। नहीं नहीं देर हो जाएगी। जब इतनी देर हो गई है तो 10-15 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं कमल इंतजार करती होगी। अच्छा रुको मैं कमल के लिए कुछ लाती हूँ। सुलक्षणा जितना तुम्हारा ख्याल रखती है शायद उतना हम मेरा भी नहीं रखती। हाँ कमल के लिए उनके मन में बड़ा ही प्यार है। अरे चलो सभी हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, और आप यहाँ खड़े किसका इंतजार कर रहे हैं? हाथ मुंह धोइए जाइए, मैंने खाना लगा दिया है, खा पी कर खत्म कीजिए, मुझे नींद आ रही है, सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है मुझे। कमल के लिए बेसन के लड्डू हैं, उसे कहना कल सुबह आकर मुझे मिले। बच्चों के लिए स्वेटर बुनना सीखना चाह रही है, कल मेरे पास समय है, कहना जरूर आए। कल सुबह आ रही हूँ। Thank you.
बेकार में मुझे बुला लिया। अब आपकी उम्र हो चुकी है। पत्नी का सहयोग भी तो कोई चीज होती है। बहुत दे चुकी हूँ सहयोग। निराशा के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला है। जो आप बुझा नहीं सकते वो लगाते क्यों? किया गया मैं जर दिन रतिया रह रह पर कहला हमरी अखियां कैसी के मिटाई अरमान है भौजी कब होई गवना हमार हे भौजी कब होई गवना हमार। दूध वालो दूध कब होई गवना हमार हे भौजी दूध वालो दूध दूध वाला जय राम जी की। ए भैया ध्यान किधर है तेरा, सारा दूध जमीन पर गिर रहा है। मौसम आए मौसम जाए आ आ मौसम आए मौसम जाए तुम ना लौट के आए उमरिया यूं ही बीती जाए उमरिया यूं ही बीती जाए। केदार चाय पियोगे ना? बोझल हो गई मेरी पलकें अखियों से निस दिन आंसू छल के मेरा प्यासा मन दर्शन का मेरा प्यासा मन दर्शन का तुम बिन चैन न पाए उमरिया यूं ही बीती जाए। मौसम आए मौसम जाए तुम ना लौट के आए उमरिया यूं ही बीती जाए उमरिया यूं ही बीती जाए उमरिया यूं ही बीती जाए। चलो बच्चों अब गाना सीखने के लिए तैयार हो जाओ। सावित्री कहाँ गई? सावी चलो उमा तानपुरा उठाओ और कल का पाठ दोहराओ। क्या है पिताजी? चलो बच्चों के साथ बैठ जाओ, तुम्हें गाना सीखना है ना? सीखना तो है पिताजी, पर स्कूल का बहुत सा काम करना है। अच्छा तो तुम अंदर जाके पढ़ाई करो। पिताजी बुआ आई है। अरे माधवी सवेरे सवेरे क्यों? सवेरे सवेरे आपके संगीत विद्यालय में आना मना है? हाँ मना है। इस वक्त अगर आओगी
तो बच्चों के साथ बैठकर सारे गमा सीखना पड़ेगा। भैया अगर मैं सारे गमा सीखने बैठ गई ना तो मेरे पति देव धनी सा से मरे सा हो जाएंगे। सभी ये ले तेरे लिए। भैया भाभी कहाँ है? अंदर है, चाय बना रही है। चलो वहां शुरू हो जाओ। सुहानी दुल्हनिया जैसे सज कर आए, जैसे सज कर आए दुल्हनिया बुर सुहानी आए। भाभी भाभी कहाँ हो? भाभी भैया ने कहा कि तुम चाय बना रही हो। इतनी सुबह? मैं तुम्हें न्योता देने आई हूँ। अगले हफ्ते बड़ सावित्री की पूजा है ना, तुम्हें हमारे घर आना है। क्यों, मेरा आना जरूरी है क्या? लो तो फिर बरगद की पूजा कहाँ करोगी? उस दिन बाजार में बरगद की टहनियाँ मिलती हैं। यहाँ की सारी औरतें तो अपने घरों में ही पूजा करती हैं। अब तुम्हारी मर्जी, वरना तुम तो जानती हो कि हमारे घर के सामने कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, और वो भी सत्यवान सावित्री के जमाने का। अच्छा देखूंगी। अब जी इसमें देखने का क्या है, तुम तो आ ही जाना। और हाँ साथ में सावित्री को भी जरूर लाना, उस दिन उसका जन्मदिन भी तो है, वही मना लेंगे। ठीक है आ जाऊंगी। इतना बंठन के कहाँ जा रही हो? चीनी खत्म हो गई है, लेने जा रही है। तुम तो यूं सज धज के जा रही हो जैसे दुकान वाला पैसे लेके नहीं, शक्ल देख के चीनी देगा तुम्हें। बाहर जाते वक्त जरा से बात संवार ली तो इसमें क्या बुराई है? अरे तुम तो नाराज हो गई। आप मुझे हमेशा इस तरह ताने देती हैं। ताने कहाँ देती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। इस मजाक के पीछे क्या मकसद छिपा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मतलब आपका बस चले तो आप मुझे घूंघट पहना दे। ए भाभी कहीं भैया से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना? मैं सब समझती हूँ। मैं जरा बाहर जा रही हूँ दुकान से सामान लाने। छोड़ दो, कोई देख लेगा। देखने दो। आखिर तुम उससे चाहती क्या हो? तुम्हें चाहती हूँ। ऐसा क्या है मुझमें? सब कुछ जिसकी एक जवान औरत को तलाश होती है। तुम जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ? पर ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी बीवी से खुश नहीं हो। तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम्हारी आंखें तुमसे ज्यादा बोलती है। सुलक्षणा क्यों मुझे अपनी तरफ खींच रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी, तुम्हारे प्यार की, जैसे कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मेरी, मेरे प्यार की। केदार मेरे अंदर की जलती हुई आग की तपिश को महसूस करो। डरता हूँ कहीं तुम्हारी ये तपिश हमें जला के राख ना कर दे। मर्द होकर डरते हो? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, इस समाज के लिए। समाज की मुझे परवाह नहीं। और तुम्हारे पति? पति वो तो सिर्फ नाम का है, किसी काम का नहीं है। और बेटी? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ केदार। पागल मत बनो, होश में आओ, अपने आप को संभालो सुलक्षणा। केदार जाने तो मुझे साफी देख रही है। साले साहब, जरा बाहर तो देखिए, औरतों ने इतना श्रृंगार किया है
उसके बरगद के पेड़ में भी जान सी आ गई है। सत्यवान सावित्री की इस कथा ने इन औरतों को एक दूसरे को जलाने का अच्छा मौका दिया है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं सत्यवान सावित्री की इस पूजा में आजकल की औरतों को कितना विश्वास है? पता नहीं गोविंद, परंतु समय के साथ साथ मान्यताएं बदलती रहती है। भाभी जल्दी करो, नीचे सारी सावित्रियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ बस हो गया, आ रही हूँ। पिताजी सत्यवान सावित्री की कथा क्या है सुनाइए ना। अपनी बुआ से सुनो। बुआ सत्यवान सावित्री की कथा क्या है सुनाइए ना। सुना दो माधवी, इसी बहाने तुम्हारी याददाश्त ताजा हो जाएगी। पुराने जमाने में सावित्री नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। पुराने जमाने में औरतें पतिव्रता हुआ करती थी। उसका सत्यवान नाम का एक पति था, बहुत अच्छा पति था। पुराने जमाने में पति भी बहुत अच्छे हुआ। बुआ जल्दी जल्दी सुना ना। हाँ, तो एक दिन अचानक सत्यवान मर गया। इतनी जल्दी? वो पुराने जमाने में पतियों को जल्दी छुटकारा मिल जाता था। आगे क्या हुआ? सावित्री को सत्यवान के मर जाने का बहुत दुख हुआ, इसीलिए जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर स्वर्ग की तरफ जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे हो ली। फिर यमराज के लाख समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसने कहा, जब तक आप मेरे पति के प्राण वापस नहीं लौटा देते तब तक मैं आपका पीछा ही नहीं छोड़ूंगी। सावित्री का पति प्रेम देखकर यमराज का दिल पिघल गया, उन्होंने सत्यवान को फिर से जीवित कर दिया। बेचारा सत्यवान। तब से सारी औरतें पति के पीछे पड़ी हुई हैं। क्यों बीच में बोलते हो? हाँ मैं तैयार हूँ, चलो भाभी। भाभी हम भी चलें क्या? कोई जरूरत नहीं। क्यों? औरतें समझेंगी यमराज आ गए। हुआ? क्या है सावी, कहानी अधूरी रह गई? हाँ, तो सावित्री के इस पति प्रेम की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। इसे महाराष्ट्र गुजरात में वट सावित्री कहते हैं, राजस्थान बिहार और उत्तर प्रदेश में बरसाइत कहते हैं, और दक्षिण में इसे कार्डाई नाम्बू कहते हैं। आज के दिन सभी औरतें भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म में भी उन्हें यही पति मिले। अरे चलो साबित, तुम भी हमारे साथ चलो, चल के देखो कि औरतें कैसी प्रार्थना करती हैं। कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम भी। मैं शादी नहीं करूँगी माँ। क्यों? मैं भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहती। ये लोग पुणे से आए। आइए बैठिए। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? मैं आपका परिचय करा रहा हूँ, ये है पुणे की स्वर संगम संस्था के संचालक बद्री प्रसाद जी, और ये है उनके सहयोगी, और ये है जिनकी आपको तलाश थी, पंडित दीनदयाल जी। पंडित जी, इस महीने के आखिर में हमारी संस्था का 25वां संगीत समारोह है। अच्छा अच्छा। 5 दिन के इस सम्मेलन में हमने देश के कई जाने माने संगीतज्ञों को आमंत्रित किया है। हम चाहते हैं कि आप भी इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहकर हमारे उभरते हुए कलाकारों को आशीर्वाद दें और उनका मार्गदर्शन करें। समारोह के दूसरे तीसरे दिन आपका गायन होगा और अंतिम दिन आपका भाषण। माफ कीजिए, मैं नहीं आ सकूंगा। भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? गोविंद, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। लेकिन कार्यक्रम में भी काफी समय ठीक है, फिर भी आप दूसरे किसी को बुला लीजिए। नहीं पंडित जी, हम आपके आने जाने के लिए स्पेशल गाड़ी का प्रबंध करेंगे, लेकिन आना तो आपको ही पड़ेगा।
नहीं तो हमारे विद्यार्थी और सदस्य निराश हो जाएंगे। आप फिक्र ना करें, ये आएंगे, जरूर आएंगे। मुझे किस लिए बुलाया है सुलक्षणा? सुनो केदार, अगले हफ्ते ना ये बाहर जा रहे हैं। जानता हूँ, पूना में संगीत समारोह है, मुझे भी जाना है। तुम नहीं जाओगे? लेकिन पंडित जी की संगत। वो कोई दूसरा तबलची ढूंढ लेंगे। तुम नहीं जाओगे? 5 दिनों तक घर में अकेली हूँ मैं। और सावित्री? उसे मैं किसी बहाने से उसकी बुआ के घर भेज दूंगी, फिर घर में सिर्फ मैं और। पूना के समारोह में पंडित जी? अरे पंडित जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। लंबी उम्र तो तुम्हारी हो, मेरी उम्र तो हो चुकी। कब आए जी? अभी थोड़ी देर हुई। चलिए आइए पंडित जी, थोड़ा रियाज कर लें। पूना वाला संगीत समारोह नजदीक आ रहा है ना। नहीं केदार, मैं समारोह में नहीं जाऊंगा। पर उन्होंने आपका नाम छाप दिया है पत्रिका में। उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। लेकिन मुझ पर है, मेरे कहने पर तो उन लोगों ने। तुम क्यों नहीं चली जाती? मैं नहीं जाऊंगा। आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है पंडित जी। और रुपयों का भी, पूरे 15,000 रुपए मिलने वाले हैं। केदार, रियाज शुरू करो।